कहानी इंटरनेट कैफे सिमुलेटर की। हे टीएमसी आर्मी, दिस इज आशुदा होस्ट ऑफ टीएमसी हंटर चैनल। एंड आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं स्टोरी बताने वाला हूँ इंटरनेट कैफे सिमुलेटर की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। सो वीडियो को पूरी देखना क्या हुआ था गेम के साथ। सो आपको मैं इससे पहले आपको विश करना चाहूँगा हैप्पी न्यू ईयर टीएमसी आर्मी। आप सबको मेरी तरफ से 2020 की हैप्पी बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपको। हैप्पी न्यू ईयर सबको, पूरी टीएमसी आर्मी को हैप्पी न्यू ईयर। 2020 यानी 2020 का ईयर आ चुका है एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। एंड विश करो कमेंट्स में एक दूसरे को, आप लोग कमेंट्स पूरा सेक्शन भर दो। आज हैप्पी न्यू ईयर वाला दिन है, न्यू ईयर वाला दिन है, कमेंट सेक्शन पूरा भर दो और एक दूसरे को न्यू ईयर विश करो, ताकि सब मिलते जुलते रहें, ठीक है ना। सो चलिए यहाँ से दोस्तों बिना टाइम गवाए मैं शुरू कर लेता हूँ अपनी स्टोरी को। ये मेरी न्यू ईयर की पहली वीडियो है, ठीक है ना, ये मेरे न्यू ईयर की पूरी पहली वीडियो है, पहली वीडियो। सो एक इंटरनेट का कैफे था जहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे आया करते थे, गेम खेल खेल के जाया करते थे, अपना काम करते थे, गेम खेलते थे। और उसके मालिक का नाम था जॉन। जी हाँ, उसके मालिक का नाम जॉन था, जो कि उस इंटरनेट कैफे का मालिक था। वही उस इंटरनेट कैफे को संभालता था, असल में उसी का था। और लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बता दूँ कि वो जो आदमी था वो अपने घर पर भी काम करता था और दुकान पर आके भी काम करता था। उसे साफ़ सफाई से बहुत ज़्यादा प्यार था। जी हाँ, साफ़ सफाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। अपनी दुकान को वो कभी भी गंदा होते हुए नहीं देख सकता था। जरा सी भी गंदगी आती तो वो सबसे पहले अपनी दुकान को तुरंत साफ कर देता। और दोस्तों आज जो लोग हैं, सो मैं कह रहा था, और जो आजकल के लोग हैं वो अपनी दुकान को ऐसी साफ सुथरा इतना नहीं रखते, लेकिन वो जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा साफ सफाई रखा करता था। एक दिन जो है दोस्तों उसके घर में यानी उसके कैफ़े के अंदर कुछ दुर्घटना की वजह से, कुछ बिजली के फायर की वजह से उसके कैफ़े के अंदर आग लग जाती है और उसका जो पूरा कैफ़े होता है वो जल के राख हो जाता है। एकदम आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसके जो भी वहाँ पे सामान रखे होते हैं, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, पीसी, जो भी बोलो, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें जल के राख हो जाती है और उनकी बैटरियाँ फटती जाती हैं, जिससे कि आग बहुत ही ज़्यादा फैलती जाती है। दोस्तों अब जो है वहाँ का जो कैफ़े का जो गेट था वो दोस्तों बिल्कुल ही भर चुका है। जी हाँ, आग से भर चुका है ना। उस वक्त दोस्तों कोई भी नहीं था उस कैफ़े के अंदर, सिर्फ उसका मालिक बैठा हुआ था, जो कि अब कैफ़े से बाहर नहीं निकल पाया। अब जो दोस्तों उस कैफ़े को देखने के लिए काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, पूरा काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं उस आग को देखने के लिए, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। फायर विकेट आती है आग बुझाने के लिए, लेकिन फायर विकेट भी उस समय आग बुझा नहीं पाती क्योंकि बैटरियों पर बैटरियाँ फटती जाती है, काफ़ी सारे लैपटॉप्स पड़े रहते हैं वहाँ पर, मोबाइल्स पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से आग बढ़ती जाती है और ऊपर तक आ जाती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा आग बढ़ जाती है, ऊपर तक आने लग जाती है आग, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड पूरी कोशिश करती है अपनी आग बुझाने की। 3-4 गाड़ियाँ इकट्ठी आ जाती है फायर ब्रिगेड की, लेकिन दोस्तों वो आग को बुझा नहीं पाते। काफ़ी देर बाद जब आग बुझती है, जब अंदर आके देखते हैं तो भाई एक आदमी की लाश पड़ी होती है, जो कि जॉन की थी, यानी कि उस कैफ़े के मालिक की थी। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, उसकी आत्मा भगवान के पास जा चुकी है। इसी वजह से दोस्तों इंटरनेट कैफे सिमुलेटर गेम को क्रिएट किया गया है। आपने स्टार्टिंग में देखा भी होगा कि जब आप गेम को ओपन करते हो तो ये एक होटल रूम में होता है। होटल रूम में असल में वो उसका घर है, होटल रूम नहीं है, गेम के अंदर होटल रूम बना दिया गया है। और जब आप आगे जाते हो तो दुकान को साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि उसे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी और आपको अपने इंटरनेट कैफे को बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करना था, ताकि और ज़्यादा कस्टमर्स आए। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी, उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स में जरूर बता देना वीडियो कैसी लगी। एंड आप सबको हैप्पी न्यू ईयर दिल से। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट।